हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू इंजॉय बायोलॉजी विद आर के मिश्रा तो देखो पिछले लेक्चर में हमने कितना आसान बना दिया यानी कि फीसर प्रोजेक्शन फार्मूला हे अर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला पहले आप सोचते थे ओ एच ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये कैसे होगा वो कैसे होगा इतना लंबा चौड़ा लेकिन हमने ग्लूकोज दो सौ बारह माल्टोज एक सौ बारह ग्लेक्टोज दो सौ ग्यारह यानी कि एक दो एक दो का है ना कन्फर्मेशंस चेंज कीजिए और आप अपना ग्लूकोज माल्टोज ग्लेक्टोज सबका हेअर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिख लीजिए यानी कि पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ हमने आपको कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट फॉर्मूलों को कैसे लिखा जाए उसके बारे में बताया है और आज का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट कैसा है तो वो कंसेप्ट है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड जो एक टाइप का ईथर बॉन्ड है तो याद रखना ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी चल रहा है ना बायोमोलिकुल्स में जो हर चैप्टर को बुलंद करता है और आपको बुलंदी की ओर पहुंचाता है यानी आप सिर्फ मेहनत करिए अपने आप में फेथ रखिए कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी ये हंड्रेड परसेंट गारंटी है तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेहनत करते हैं और एक कुछ नया काम करते हैं क्योंकि हमें हमें आपको इंडिया को बदलना है अपने भविष्य को बदलना है अपने आई बाबा के सपनों को पूरा करना है अपने पंखों को पहल फैला के आकाश में उड़ना है और कहना है भर दी है उड़ान हमने कह दो कि आसमां से कुछ और ऊंचा हो जाए तो चलिए एक नए पंख एक नए जोश एक नए उत्साह के साथ बढ़ते हैं आगे कहां ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो देखो बेटा अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहिए इसको आप एक बात हमेशा दिमाग में रखिए कि ये जो बॉन्ड है आपको कार्बोहाइड्रेट में मिलेगा ही मिलेगा और 100% परसेंट डी और आर में मिलेगा लेकिन वहां मिलेगा एन ग्लाइकोसिडिक यानी ग्लाइकोसिडिक के बहुत सारे बॉन्ड होते हैं और ग्लाइकोसिडिक देखा जाए तो एक तरह का ईथर है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक तरह का ईथर एक टाइप ऑफ ईथर की तरह आप देखोगे इसको तो यहाँ गौर से देखो कि इट इज अ टाइप ऑफ ईथर बॉन्ड ईथर बॉन्ड आपको भी पता है ईथर के लिए हम ओ ये हमारा क्या है ईथर है ठीक है डेट ज्वाइन जो ज्वाइन करता है कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को क्या करेगा बेटा ज्वाइन करेगा टू एनअर ग्रुप दूसरे ग्रुप में अब एक मान लो ये कार्बोहाइड्रेट है इसको ज्वाइन कर रहा है ये ग्रुप एनादर ग्रुप है अब ये कार्बोहाइड्रेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्लियर तो इसीलिए विच मे और मे नॉट बी अनदर कार्बोहाइड्रेट ये कार्बोहाइड्रेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्लियर यहां तक कुछ प्रॉब्लम तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है इट इज अ टाइप ऑफ इथर्मोन्ड डेट ज्वाइंस जो ज्वाइन करता है किसको कार्बोहाइड्रेट मॉलिकूल टू एन अदर ग्रुप विच मे और मे नॉट बी एनअर कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट से जुड़ सकता है या दूसरे ग्रुप से भी जुड़ सकता है क्लियर अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के टाइप्स होते हैं एस एन सी एंड ओ ग्लाइकोसिडिक क्लियर एस सल्फर नाइट्रोजन कार्बन और ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लेकिन ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन जिसमें सेंटर में रहेगा यहां इस तरह से ठीक है और दोनों साइड चेन जो है ये जो साइड है ये जो बॉन्ड का है ये कार्बन ये से जुड़ा रहेगा क्लियर तो ओ ग्लाइकोसिडिक इस तरह से आपको दिखेगा बीच में ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन अब एग्जाम्पल देख ले क्योंकि ओग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रजेंट कहाँ रहता है बेटा ठीक है तो ये ओलिगोसेकर में रहता है यहां जहां पर एक से ज्यादा यूनिट रहेगा उसी में ना बॉन्ड बनेगा यानी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं माल्टोज कौन सा बेटा माल्टोज अच्छा माल्टोज क्या है आपको भी पता है बेटा ये डाई सेकेराइड है ठीक है बेटा डाई सेकेराइड है और डायसेकेराइड है और तो ये किस ये किससे मिलके बना रहता है बेटा तो ये ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलके बना रहता है याद रखिए अब हमको लिंकेज दिखाना है दिखा देते दो मिनट के अंदर अब यहां देखिए ये है तो सॉरी यहां पर जो रिंग बनेगा कौन सा रिंग ग्लूकोज के लिए बताए थे पायनोज रिंग याद आ रहा है कि नहीं कुछ कौन सा रिंग पायेनोज रिंग ऐसे बना दीजिए एक दो रिंग बनाना पड़ेगा हमको दो रिंग बना दीजिए ऐसे क्लियर दो रिंग बना दिए अब यहां पर अल्फा अल्फा मतलब बताए थे ना अल्फा मतलब यहां पर वन यहां क्या टू यहां क्या थ्री यहां क्या फोर यहां क्या फाइव यहां क्या सिक्स यहां पर भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्लियर अब यहाँ देखिए अब अल्फा है तो अल्फा के लिए ओ एच OH किधर रहेगा ऊपर या नीचे नीचे रहेगा सर ओ OH एच नीचे रहेगा और यहाँ रहेगा एच यहाँ भी ओ OH एच नीचे रहेगा और यहाँ रहेगा एच फिर बताए थे आपको हम यहाँ पर एच और यहाँ पर सी एस टू ओ एच एच और सी एच टू ओ एच ये तो कॉन्स्टेंट रहेंगे क्लियर हमने आपको माल्टोज के लिए बताया था फार्मूला है ना याद रखिए ग्लूकोज के लिए 212 सौ बारह माल्टोज के लिए 112 और ग्लेक्टोज के लिए 211 ठीक है तो माल्टोज माल्टोज के लिए 112 जो भी बच्चे सिर्फ इसी वीडियो को देख रहे हैं ठीक है तो इससे पहले के वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा और आराम से आप लिख सकते हैं ठीक है तो यानी कि माल्टोज के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया था एक सौ बारह ये जो है पहला पोजिशन किस को रिप्रेजेंट करता है बेटा सेकेंड के लिए है ये वन ये थर्ड के लिए है और ये फोर्थ के लिए है हमने बताया था कि एक जो होगा हाइड्रोजन और दो जो होगा वो ओएच तो यहाँ देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ओ OH, एच एच OH, ओ एच क्लियर यहाँ देखिए फिर से हाइड्रोजन हाइड्रोजन ओ OH, एच और यहाँ पर ओ एच OH, यहाँ पर ओ OH, एच गौर से देखिए यानी कि ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया डी मतलब पता है ना आपको डी फैमिली को बिलोंग करता है यहाँ डी मतलब डेक्स्ट्रो मत बोलिएगा डी का मतलब होता है कि जो काइरल सेकेंड सॉरी सबसे लास्ट सेकेंड लास्ट कहिए ठीक है ठीके? या ला, सेकेंड लास्ट कार्बन पर ओ एच OH ग्रुप आर एच साइड रहेगा तो डी फैमिली होगा या लास्ट काइरल कार्बन पर ओ एच OH ग्रुप राइट हैंड साइड रहेगा तो डी फैमिली होगा ये सारी चीज हमने इससे पिछले वीडियो में बताए हुए हैं अब यहां देखिए तो अल्फा डी ग्लूकोज यहां भी अल्फा डी ग्लूकोज लिख दिए अब देखो इसमें यहां देखिएगा इस दोनों में लिंकेज होता है ठीक है अब लिंकेज होगा तो क्या निकलेगा वाटर H2O निकलता है आया दिमाग में अब H2O निकलेगा तो ये क्या बनेगा अब गौर से देखिए हमने बना दिया अब इधर उधर कुछ नहीं लिखा है ये पोजीशंस ये देखिए पोजिशन क्या है फर्स्ट ये पोजिशन क्या है फोर्थ तो क्या हो गया अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लेकिन ध्यान रखिएगा ये इस तरह से लिखना सही है क्या नहीं क्योंकि अगर ये कार्बन है ये कार्बन तो यहां भी कार्बन हो जाएगा अगर ऐसे लिखेंगे तो हालांकि एन में बहुत सारे बुक में ये दिया हुआ है और जो अच्छे बुक है फॉरेन ऑथर के बुक है या फॉरेन ऑथर के ऊपर बेस्ड है वो यहाँ पर स्मूद लाइन यूज करता है ऐसा है ना स्मूथ लाइन ये लाइन यूज होता है कभी भी ये लाइन यूज़ नहीं करना चाहिए ये जो है ये गलत है क्यों क्योंकि इसका मतलब अगर आप यहाँ कार्बन ले रहे हो तो इसका मतलब यहाँ भी कार्बन है लेकिन यहाँ तो कोई कार्बन नहीं है तो बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है इसीलिए और अच्छे अच्छे बुक जो है फॉरेन ऑथर के उसमें यही दिया हुआ है तो आप कन्फ्यूजन नहीं पड़ना आपके दिमाग में अब दो जगह स्ट्रक्चर दो अलग अलग एक जगह ये देखिएगा एक जगह ये देखिएगा तो मन में क्या हो जाएगा आपको भ्रम पैदा होगा कन्फ्यूजन पैदा होगा तो उस भ्रम को उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको बताएं कि सही कौन है तो सही यही वाला है क्यों क्योंकि ऐसे अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब कार्बन हो जाएगा क्लियर तो ये छोटी छोटी कंसेप्ट जो है ना बेटा बहुत काम की चीज होती है और ये कंसेप्ट ऐसे नहीं आती है पढ़ने से आती है समझ में आया तो इसीलिए मेहनत कीजिएगा तभी अच्छा होगा अब यहां देखो वन और फोर लिंकेज तो इसीलिए लिंकेज क्या कहलाएगा बेटा याद रखिए अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक क्लियर तो ये लिंकेज हो गया अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक कुछ प्रॉब्लम हंड्रेड परसेंट समझ गया ना कि लिंकेज कैसे बनता है तो इसीलिए यहां देखिए कि हमने बताया था ये कार्बन ये कार्बन तो यहां जो है यहां अगर देखिएगा तो ये क्या है कार्बन ही तो है ये कार्बन ही तो है यहां क्या है यहां भी कार्बन ही तो है तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है समझ में आया तो माल्टोज जिसको हम माल्ट सुगर भी कहते हैं माल्ट सुगर भी कहते हैं है ना ये जो है दो ग्लूकोज यूनिट को रखता है कौन सा ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज लिंकेज कौन सा अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसको लिख लीजिए बेटा अच्छे से अब देखो बेटा अब दूसरा जो है जो आपके एनसीआरटी में दिया हुआ है डब्बा ठीक है जो आपको आ, पुराने एनसीआर में पेज नंबर वन फोर एट पे मिलेगा ठीक है तो वो जो डब्बा है वो एकदम दिमाग में रखिए मैंने डब्बा को इधर दिखा भी दिया है ये डब्बा देखिए ये है ना आया दिमाग में अब वो कैसे बनता है इसके बारे में हम देखेंगे क्योंकि वो भी डब्बा जो है वो ग्लूकोज ही है और वहां पर आपको एमाइलोज और अमाइलोपैक्टीन के बारे में बताया गया है और उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं वो बताया गया है तो ध्यान दीजिए बेटा अब यहां देखिए स्टार्च तो स्टार्च क्या है ये भी पॉलीमर है यानी कि एक से ज्यादा यूनिट रहता है पॉलीमर मतलब मोर देन टेन यूनिट याद रखिएगा मोर देन टेन यूनिट्स अब मोर देन टेन यूनिट्स रहते हैं ये पॉलीमर्स कहलाते हैं और पॉलीमर में कौन सा बेटा अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ या हम क्या लिख सकते हैं अल्फा डी प्लस मतलब डेक्स्ट्रो ग्लूको पायरेनोज ये भी आपको लिखने को मिलेगा या देखने को मिलेगा तो ये दोनों सेम है ये शॉर्ट फॉर्म है ये पूरा कंप्लीट फॉर्म है क्लियर इससे पिछले वीडियो में कैसे ये लिखते हैं कैसे ये बनता है सब बताए हुए हैं अब यहाँ देखो कि जैसे ही हम बात करते हैं ग्लूकोज की तो ग्लूकोज के लिए हम जैसा कि आपको बताए हैं कि एक ट्रिक वो कौन सा 212 सौ बारह ग्लूकोज के लिए क्या दो सौ बारह बनाने का सिंपल तरीका कि यहाँ पर ये ग्लूकोज अगर हमको बनाना है तो अल्फा बनाना है यहाँ पर वन है यहाँ टू है यहाँ थ्री है यहाँ फोर है यहाँ फाइव है यहाँ सिक्स है क्लियर सिंपल अल्फा अगर हमको बनाना है तो अल्फा के लिए ओ एच क्या होगा नीचे होगा एच क्या होगा ऊपर होगा और सब जगह एच सी एस टू ओ एच यानी कि फिफ्थ और सिक्स पर यही रहेगा सब अल्फा बनाते हैं अगर हम तो ओ एच एच ठीक है एच सी एस टू ओ एच यहाँ देखो फिर ओ एच 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 सी एस टू ओ एच क्लियर सब जगह वही वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब गौर से देखिए यहाँ पर ये जैसे ही हम अगर बात करें तो सी एस टू ओ एच एच ओ एच अब सर ये तीन पोजिशन तो रह गया ना एक दो तीन तो यहां देखिए ये सेकेंड पोजिशन के लिए टू हम लिखेंगे वन और टू टू मतलब ओ OH. एच यहां मतलब एच एक वर्ड है ना तो एच टू मतलब ओ OH. एच तो यहाँ ओ OH एच है तो यहाँ क्या होगा एच यहाँ एच है तो क्या होगा ओ एच OH. यहाँ एच है ओ तो एच है तो क्या होगा एच दो सौ बारह फिर उसी तरह से ओ एच एच ओ एच फिर ओ एच एच ओ एच 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 ओ एच और एच क्लियर लिख दिए अब यहाँ पर स्टार्च के दो कंपोनेंट रहते हैं एक होता है एमाइलोज याद रखिए एमाइलोज एमाइलोज जो रहता है वो अनब्रांच रहता है यहाँ देखिएगा कैसा ऐसा रहता है बेटा अनब्रांच्ड इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होता है अनब्रांच्ड होता है और ये अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक कंटेनिंग वाला कंपोनेंट है जबकि दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो अमाइलोट है दूसरा कंपोनेंट क्या है और ये जो रहता है, ये और रहता, है, रहता है ये ब्रांच रहता है ये वाटर सोलेबर रहता है अनब्रांच वाला ठीक है और अमाइलोपैक्टीन ये क्या है ब्रांसड है और अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक एंड अल्फा वन सिक्स ग्लाइकोसिटिक अब हर में अल्फा ही है और ग्लूकोज का बना हुआ है तो हर जगह वही काम लिखना है हमको कि यहां पर एक ही साथ लिख दिए यहां क्या ओ एच 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 और ये सी एस टू ओ एच हर जगह यहां पर ठीक है इसी तरह से लिखिए आप तो देखें हम लोगों ने भर लिया अब यहां पर वही काम करना है 212 तो 212 करते हुए ये पूरा भटक लीजिए अब देखिए अमाइलो पेक्टिन और अमाइलोज लिंकेज में आते हैं सबसे पहले अमाइलोज यहां देखो वन फोर लिंकेज वन फोर ग्लाइकोसिडी यहां से क्या निकलेगा बेटा वाटर याद रखिए यहां से क्या निकलेगा बेटा वाटर एच टू ओ निकलेगा यहां से भी क्या निकलेगा वाटर एच टू ओ निकलेगा क्लियर यहां से भी जुड़ेगा यहां से भी जुड़ेगा बॉन्ड तो यहां से भी जुड़ेगा तो इसलिए डायरेक्ट यहां से ऐसे कर दो, 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 दो. यहां से भी जुड़ेगा, तो ये क्लियर अब गौर से रखिए ठीक है यहां से वाटर जैसे ही निकलेगा तो यहां क्या हो जाएगा यहां से भी वाटर निकलेगा तो यहां पर बच क्या जाएगा यहां से बच जाएगा केवल वन फोर आय यहां भी कैसा ये बन जाएगा ना तो ये तो यानी कि देखिए ये वन पोजीशन है और ये क्या है फोर पोजीशन है तो यहां पर कौन सा लिंकेज है वन फोर अल्फा वन फोर ग्लाइको सीडिक लिंकेज एकदम थोड़ा हम स्पीड स्लो करके भी बता रहे हैं आपको बहुत स्लो कर दिए हैं क्योंकि आराम से आपको समझ में आए यहाँ वाटर निकला यानी कि यहाँ पर बॉन्ड बना और हमेशा कौन सा लाइन इस तरह से स्मूद लाइन ही यूज कीजिएगा कर्व लाइन यूज़ कीजिएगा क्लियर क्योंकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे क्यों कर्व लाइन यूज करते हैं ये ऑक्सीजन है हम बताए हैं और इधर भी जुड़ेगा तो ये जो इधर का इंड है याद रखिएगा पूछता है ये होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड याद रखिएगा खूब पूछता है ये पॉलीमर में ये जो एंड होता है कौन सा एंड ये एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड और ये कैसा है एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड नॉन रिड्यूसिंग एंड जबकि आर एच एस ये राइट हैंड साइड रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग एन और वैसे भी दिमाग में रखिए आर से राइट तो आर से रिड्यूसिंग है ना यानी कि ये जो पॉलीमर बना किसका ग्लूकोज का वहां पर लेफ्ट हैंड साइड नॉन रिड्यूसिंग राइट हैंड साइड रिड्यूसिंग आर से राइट right, आर से रिड्यूसिंग तो देखिए हमने बता दिया कि अमाइलोज कैसा है ब्रांसड नहीं है अनब्रांसड है और <coughs> इसमें वाटर निकलते हैं तो कौन सा लिंकेज अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अब यहाँ देखिए ये पूरे के पूरे इतने सारे हैं तो अब यहाँ देखिए हर जगह वही काम है यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कहीं भी आप जो ले यहाँ पर नंबरिंग आपको करना ही है फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 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 वन टू थ्री फोर फाइव और यहाँ सिक्स गौर से देखिए अब अभी हम क्या बताएं अमाइलोपेक्टिन में अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिक लिंकेज तो ये देखिए ये जो है ये यहाँ पर ये यहाँ पर ये देखिए यहाँ जो लिंकेज होगा ये पूरी तरह से ये देखिए अल्फा वन फोर यहाँ भी क्या होगा अल्फा वन फोर क्लियर आए में इसके इसके बीच भी अगर हम लिंकेज कराएंगे तो क्या होगा अल्फा वन फोर यहां भी लिंकेज जो है अल्फा वन फोर यहां भी लिंकेज क्लियर यहां भी लिंकेज देखिए हर जगह आपको बता रहे हैं यहां भी लिंकेज यहां भी लिंकेज और यहां भी लिंकेज हाँ, हर जगह देखिए अल्फा वन फोर लिंकेज अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहां देखिए वन और यहां से निकलेगा तो यहां से ये यह यह हो गया अल्फा वन सिक्स फिर अगर हमको जोड़ना है तो यहां देखिए यहां से भी तो वाटर निकलेगा ये हो गया अल्फा वन सिक्स क्लियर तो देखिए जहां जहां ब्रांच होगा ये ब्रांच हुआ ना ये ब्रांच हुआ तो यहां पर लिंकेज क्या होगा अल्फा वन सिक्स यहां ब्रांच हुआ तो अल्फा वन सिक्स लिंकेज होगा लेकिन यहां, यहां पे, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, कौन सा लिंकेज होगा सबके लिए अल्फा वन फोर लिंकेज अल्फा वन फोर लिंकेज यानी कि अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक अल्फा वन से वन फोर ग्लाइकोसिडिक किस में रहता है अनब्रांच में जबकि ये किस में रहता है ब्रांच में इसी का रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है एनसीआरटी ने ये देखिए ये ऐसे दे दिया ये 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 है ना ये क्लियर अब गौर से देखिए ये जो बता रहा है ये ये पूरा अल्फा वन फोर लिंकेज क्लियर ये जो है यहां दिमाग में रखिएगा यहां जो है यहां जो है ये सब अल्फा वन सिक्स लिंकेज ये भी ये भी किसका अल्फा वन सिक्स लिंकेज ये 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 सब सब के सब सब के सब लिंकेज कौन सा अल्फा वन सिक्स लिंकेज मतलब जहां भी दो लाइन जुड़ा है अल्फा वन सिक्स लिंकेज क्लियर आए दिमाग में तो ये है स्टार्च यानी कि स्टार्च में सब कुछ वही रहता है लेकिन लिंकेज जो है वो कौन सा अल्फा वन फोर अमाइलोज के लिए और अमाइलो के लिए कौन सा लिंकेज अल्फा वन फोर और अल्फा वन सिक्स अब देखिए जिस तरह से स्टार्च है उसी तरह से एक होता है ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन स्टार्च जो है वो प्लांट में पाया जाता है स्टोर फूड ग्लाइकोजन जो है एनिमल में पाया जाता है स्टोर्ड फूड इन एनिमल फूड इन एनिमल एनिमल में पाया जाता है सेम एज सेम एज अमाइलो पैक्टीन अमाइलो पैक्टीन के जैसा रहेगा है ना सेम एज अमाइलो पैक्टीन इसी के जैसा बट शॉर्ट एंड मोर मोर ब्रांच शॉर्ट रहेगा लेकिन ज़्यादा ब्रांच रहेगा जैसे अगर इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन करें तो यहाँ पर गौर से देखिए यहाँ है यहाँ 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 ये यह देखिए ले समझ में आया देखिए कितना ब्रांच हो गया और ये देखिए अपने मन से जितना क्लियर तो ये शॉर्ट एंड ब्रांच होता है इसमें भी लिंकेज ग्लाइकोजेन में भी कैसा होता है अल्फा वन फोर एंड अल्फा वन सिक्स ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक एकदम पूरी तरह से दिमाग में रखिए स्टार्च पॉलीमर किसका है अल्फा डी ग्लूकोज का है अल्फा डी ग्लूकोज डी ग्लूकोज को लिखना हमने आपको सिखाया है ठीक है इससे पिछले लेक्चर में अभी भी बताया है थोड़ा आपको कैसे लिखेंगे फिर यहाँ देखिए लिंकेज अल्फ़ा वन फोर कैसे बनता है हर जगह से जहाँ भी लिंकेज होगा वाटर मॉलिक्यूल ये लेफ्ट हैंड साइड नॉन रिड्यूसिंग राइट हैंड साइड रिड्यूसिंग एंड फिर हमने बताया था कि अमाइलोज जो होता है अनब्रांच होता है जबकि अमाइलो पैक्टिन क्या होता है ब्रांच होता है जिसमें अल्फ़ा वन फोर अनब्रांच में रहेगा जहाँ जहाँ अनब्रांच है देखिए अल्फ़ा वन फोर अल्फा वन फोर यानी कि जहाँ जहाँ अनब्रांच है अल्फा वन फोर अल्फा वन फोर जहाँ जहाँ ब्रांच है तो जहाँ ब्रांच है तो ये देखिए ये क्या है अल्फा वन सिक्स जहाँ जहाँ ब्रांच है ये चैन इससे जुड़ा हुआ अल्फा वन सिक्स अल्फा वन फोर 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 जहाँ ब्रांच नहीं है वहाँ अल्फा वन फोर होगा जैसे ही ब्रांच हो गया वहाँ अल्फा वन सिक्स होगा देखो जहाँ अटैचमेंट दिखा रहा है वन सिक्स है और जहाँ अटैचमेंट नहीं है यहाँ भी ये ये पूरा में अल्फ़ा वन ये अल्फा वन फोर ये अल्फा वन फोर ये अल्फा वन फोर अब इसी के जैसा स्ट्रक्चर ग्लाइकोजेन का होता है जो 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 स्टोर 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 फूड 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 एनिमल एनिमल में 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 होता है जो है वो प्लांट में रहेगा. एनिमल में जो रहता है वो क्या रहता है स्टार्च वो वो प्लांट रहता रहता जबकि क्या ग्लाइकोजेन क्लियर तो ये सारे के सारे वही लिंकेज कंटेन करते हैं जो एमाइलोपैक्टीन करता है लेकिन ये एमाइलोपैक्टीन आप दिमाग में रखिए कि ग्लाइकोजेन और एमाइलोपैक्टीन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एमाइलोपैक्टीन जो है ग्लाइकोजन से थोड़ा ज्यादा फैला रहता है जबकि एमाइलो पैक्टीन और ग्लाइकोजन में कंपेयर करें तो ग्लाइकोजन मोर कंडेंस्ड मोर ब्रांच हैविंग शॉर्ट चेन, क्लियर कुछ प्रॉब्लम लिखिए इसको अब देखो बेटा लिखे यहाँ सेलुलोज सेलुलोज भी क्या है पॉलीमर है पॉलीमर ऑफ अब यहाँ ये पॉलीमर किसका है बीटा डी ग्लूकोज याद रखिए बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है अब हमने आपको एज इट इज बताया है कि ग्लूकोज के लिए कितना होता है 212 हर जगह बीटा हमको चाहिए तो यहाँ ओ OH एच लिखे और यहाँ एच लिखे यहाँ एच और सी एस टू तो पहले लिख दीजिए यहां पर एच और सी एस टू ओ एच पहले लिख लीजिए यहां पर एच है और यहां ओ OH एच है बीटा है तो ओ OH एच पहले यहां देखिए बीटा है ओ एच ऊपर एच एच और सी एस टू ओ एच और यहाँ गौर से देखिए अब यहाँ पोजीशन कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 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 गिलियर अब यहाँ दिमाग में रखिए कि यहाँ जो है दो सौ बारह बताए हैं ना यहाँ यहाँ क्या होगा यहाँ ओ एच होगा एच होगा ओ एच होगा एच ओ एच यहाँ पर एच यहाँ क्या होगा ओ एच एच ओच यहाँ क्या होगा एच ओ एच और एच यहाँ क्या होगा ओ एच 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 ओ एच ओ एच एच यहाँ क्या होगा ओ एच 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 ओ एच ओ एच एच क्लियर गौर से दिमाग में रखो कि यहाँ जो भी है पूरा का पूरा यहाँ से अलग होगा यानी एच ओ एच अलग होगा यानी कहने का मतलब क्या वाटर मॉलिक्यूल सॉरी यहाँ पहले समझते हैं अब बीटा है तो यहाँ देखो वाटर मॉलिक्यूल के लिए हमने क्या अभी दिमाग में रखा है कि यहाँ ओ याँग और यहाँ से ओ गायब होगा ये और ये यहाँ से गायब होगा ये और ये यहाँ से गायब होगा क्लियर यहाँ से ओ एच टू निकलेगा ना यहाँ से क्या निकलेगा एच टू निकलेगा ना यहाँ से क्या निकलेगा एच टू निकलेगा क्लियर ये तो इधर कर देते हैं बहुत सारे हैं डॉट 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 इधर भी है ना ये कैसा रिड्यूसिंग एंड है और ये क्या है कैसा है नॉन रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है क्लियर अब गौर से आप देखिए कि वाटर निकलेगा तो अब बॉन्ड कैसे बनेगा देखिए हम बॉन्ड बना दे रहे हैं अब ये बॉन्ड कैसे बनेगा तो बस उसी तरह से बनेगा जैसा बनते आया है अब यहां देखिए ये क्लियर सब कुछ वही थोड़ा सा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं क्लियर अब यहां देखिए इस तरह से रिपर्जन करते लिंकेज कैसा हो गया बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है क्लियर आया दिमाग में तो यहां सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज रहता है जबकि स्टार्च में क्या रहता है अल्फा डी ग्लूकोज रहता है स्टार्च में लिंकेज कितना रहता है अल्फा वन फोर और सेलुलोज में क्या रहता है बीटा वन फोर फिर आपके एनसीआरटी में दिया हुआ है कि जो सेलुलोज है सेलुलोज प्लस आयोडीन नो ब्लूक्लर कोई भी ब्लूक्लर नहीं देता है लेकिन स्टार्च प्लस आई ट्यू क्या देता है बेटा कलर देता है क्यों क्योंकि स्टार्च जो है ये इस तरह से रिंग बनाता है ठीक है और यहां देखो रिंग मतलब और इसमें रहता है इस तरह का समझ गए ये ऐसे रहते हैं आया दिमाग ये इस तरह से कंपोनेंट रहते है इधर क्लियर इस तरह से रिंग रहते यानी कि अब यहां देखो एक टर्न में वन टर्न कंटेन्स कितना अप्रॉक्स सिक्स यूनिट कितना यूनिट सिक्स यूनिट एक टर्न में सिक्स यूनिट रहता है अब यहां देखो आयोडीन जैसे ही करते हैं तो क्या हो जाता है कि ये है ये जो टर्न है है ना ये जो हेलिक्स है ये हेलिक्स के इस लोब में क्या जाता है आयोडीन आ जाता है I2, 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 जिसके कारण कलर क्या है गिप्स ब्लू कलर क्लियर तो इसीलिए स्टार्च को टेस्ट करने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है जैसे ब्लू कलर दिया मतलब स्टार्च है फूड में तो ये सेल्यूलोज नहीं देता है क्यों क्योंकि यहां सेलुलोज हेलिकल फॉर्म नहीं बनाता है स्टार्च कौन सा फॉर्म बनाता है हेलिक्स और ये जो लूप देख रहे हैं ना ये एक टर्न में कितना सिक्स यूनिट रहता है एक टर्न में कितना यूनिट रहता है बेटा सिक्स यूनिट रहता है क्लियर तो ये सेल्युलज और स्टार्च एक आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देता है और एक आयोडीन टेस्ट नेगेटिव देता है समझ में आया एक और कंसेप्ट है जो कि बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है काइटीन पहले एनसीआरटी में काइटीन को हेट्रोपोलीमर लिखा था गलती से टाइप हो गया होगा लेकिन अब कहीं हेट्रोपोलीमर नहीं लिखा गया है वो गलती सुधार दिया गया है लेकिन स्टूडेंट अभी भी गलती कर देते हैं बहुत बुक में अभी भी काइटीन को हेट्रोपोलीमर कहा जाता है जो कि गलत है काइटीन होमोपोलीमर है काइटीन क्या है होमोपोलीमर है कैसे वो अब हम देखेंगे पहले इसको लिखिए देखिए बेटा काइटीन और काइटीन जैसे ही पता करते हैं तो मोस्ट एबंडेंट पॉलिसक्राइड ऑफ नेचर आफ्टर सेल्यूलोज सेलुलोज जो है मोस्ट एबंडेंट पॉलीसेक्राइड है नेचर में लेकिन उसके बाद अगर कोई है सेकेंड नंबर पर वो काइटीन है इसीलिए काइटीन को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं फंगस सेलुलोज फंगस सेलुलोज क्यों फंगस सेलुलोज क्योंकि ये फंगस के सेल वॉल में पाया जाता है और दूसरा कहां पाया जाता है एग्जो स्केल्टन में भी पाया जाता है काइटीन दो जगह तो एकदम याद रखिए क्लियर तो अब यहां दिमाग में रखिए कि ये काइटीन हमने लिखा है होमोपोलीमर एकदम कंसेप्ट क्लियर कीजिए किसका होमोपोलिपोलीमर है एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन अब देखो इसको जब तोड़ते हैं बेटा एक एन ऐसीटाइल ठीक है फिर प्लस ग्लूकोज और प्लस अमाइन क्लियर तीन से मिलके बना होता है एनएसिटाइल ग्लूकोज अब लिंकेज कैसा है बीटा वन फोर लिंकेज है तो अब तुम ही बताओ बीटा वन फोर लिंकेज है, बीटा ग्लूकोज कैसा है बीटा फॉर्म है तो बीटा के लिए ओएच ऊपर है एच है एच और सी एस टू ओ एच फिर उधर ही ओ एच 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 और सी एस टू ओ एच फिर यहां पर एच और ओ एच एच और सी एस टू ओ एच क्लियर यहां ओ एच एच ओ एच यहां ओ एच एच ओ एच यहां ओ एच एच ओ एच यहां पर एच ओ एच एच यहां पर एच एच oh, एच यहां पर ओ एच सॉरी यहां एच ओ एच एच बस वही 212 वाला ट्रिक 212 सौ बारह दो सौ दो, दो एक दो क्लियर अब यहां देखिए क्या होता है कि एनएसीटाइल इस पे सारा काम होता है है ना एनएसीटाइल ग्लूको सेमाइन सारा काम यहां होगा यानी कि अगर हम लिंकेज की बात करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहां वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्लियर ये कैसा है बीटा डी ग्लूकोज है कैसा ग्लूकोज है बीटा डी ग्लूकोज है अब हमने कहा अमाइन भी है एसिटाइल ग्रुप भी है तो यहां क्या होता है यहां से ही चीजें स्टार्ट होती है यहां एन और यहां पर आपको भी पता है ठीक है एन एसिटाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ और सी एस थ्री ये क्या हो गया एसिटाइल हो गया आया दिमाग में पहले यहां पर एन टू ग्रुप लगा था एन एस टू के बाद हट के यहां पहले देखिए, पहले अमाइनो ग्रुप जुड़ा है ऐसे अगर समझना है तो ऐसे कीजिए एन एस टू ग्रुप जुड़ा एन एच टू ग्रुप जुड़ने के बाद यहाँ से जुड़ा सी एसिटाइल ग्रुप डबल बॉन्ड ओ और सी एस थ्री सी एच थ्री क्लियर तो अब गौर से देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी तो इधर चार हो जाएगा तो इसीलिए क्या हो जाएगा एक मिटाना पड़ेगा हर जगह वही एन एच सी डबल वन ओ और ये क्या सी एस थ्री ठीक एन एच सी डबल वन ओ और ये सी एस थ्री क्लियर अब गौर से आप देखिए कि यहां एसिटाइल आ गया कि नहीं और यही हर जगह हर शुगर में रहेंगे तो ये जो है ये ये कैसा शुगर है डिराइव्ड शुगर है ना ये कैसा है बेटा डिराइव्ड है एसिटाइल अमाइनस शुगर है एनेसिटाइल ग्लूकोसेमाइन क्लियर अब लिंकेज जो होगा ये देखिए सिंपल में इसमें और इसमें लिंकेज होगा है ना इसमें और इसमें लिंकेज होगा क्लियर तो ये यही तो लिंकेज हो गया बीटा वन फोर लिंकेज कुछ प्रॉब्लम अब चूंकि बहुत ज्यादा है, रहता है ना ये एक दो तीन तो नहीं रहता है इसीलिए हम यहाँ पर बीच में क्या कर दिए एन मतलब बहुत ज्यादा कंपोनेंट है तो अब आप ही बताइए कि ये होमोपोलीमर है ना क्योंकि एक ही डिराइव्ड जो ग्लूकोज है वही बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है तो जब एक ही मोनोमेरिक यूनिट रिपीट होता है तो वही तो होमोपोलीमर होता है तो हेट्रो तो होगा ही नहीं ये बिल्कुल गलत है ठीक है इसीलिए कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी होता है हाँ एक बार कंसेप्ट सीख गए तो याद रखना आसान रहता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है इसलिए हम हम हमेशा कंसेप्ट पर ही जोर देते हैं ठीक है बच्चे को पता कब चलता है इसका इफेक्ट जब वो 20 से 30 मार्क्स से 40 मार्क से 50 से ठीक है मतलब आना है उसको 580 आता है 520 510 तब उनको अफसोस होता है कि हमने कंसेपच्चुअली पढ़ा नहीं था तो इसलिए कंसेप्ट बहुत जरूरी है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है अब यहां देखो ये यह सारे के सारे कंसेप्ट अब क्लियर हो गए ना काइटिन कहां पाया जाता है फंगस सेलुलोज और एग्जोस्केल्टन ऑफ इंसेक्ट दूसरा ये मोस्ट एबंडेंट पॉलीसक्राइड नेचर में है किससे बना रहता है एनएसिटाइल ग्लूकोसेमाइन से देखो ये ऐसे यह है ये है काइटिन अब कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है पहले है ना एनएच टू ग्रुप जुड़ा फिर जैसे मतलब हम एसिटाइल ग्रुप इसमें जोड़े तो यहां से एक हाइड्रोजन हटाएं और फिर एन एसिटाइल हो गया ठीक है ग्लूकोसेमाइन ये ग्रुप हो गया चूंकि एन से जुड़ा हुआ है इसलिए एसिटाइल कहते हैं यहां कितने पोजीशन पर सेकेंड पोजीशन पर समझ में आया चलिए लिखिए इसको तो देखो बेटा आज का जो कंसेप्ट था पूरी तरह से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ऊपर था क्योंकि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है कैसे है अब ये समझ गए तो पूरा कार्बोहाइड्रेट में कहाँ लिंकेज होता है क्या होता है उसको आप याद कीजिए कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है और जब भी कन्फ्यूजन हो तो एक बार वीडियो देख लीजिए समझ में आया तो ये सारा कंसेप्ट आप दिमाग में रखिए याद रखिए हमने पहले ही बताया है कि इस चैप्टर को हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि सारे चैप्टर में जहां जहां आपको अगर कंफ्यूजन है तो वो दुरुस्त हो जाएगा मतलब इस बायोमोलिकुल्स चैप्टर के वीडियो को अगर आप देख लिए तो नीट के बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे केवल एक नहीं तो इसीलिए और चूँकि रिपीटर के लिए हम ये बता रहे हैं तो यहाँ पर अपने आप को हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं क्योंकि रिपीटर के बच्चे कुछ तो कुछ पढ़े रहते हैं ना चलिए तो आए दिमाग में ये सारे कंसेप्ट को पूरी तरह से रिवाइज करिए और ईमानदारी से पढ़िए हमेशा कहते हैं ठीक है पढ़ने के लिए जिद होनी चाहिए हारने के बहाने हजार हैं तो चलिए बेटा पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया